मायके की याद भी आ रही है मुझे। आपको पता है मेरी मम्मी ना पोखरी मार्केट तक मुझे छोड़ने के लिए आई थी। मेरी मम्मी बार बार बोल रही जा जा, और मम्मी के आंखों में ना आंसू निकाल रहे। मैं लहसुन और जीरा को मैंने जार में भी डाल दिया है, अब बारी है मिर्ची डालने की। जैसे आप किसी भी चीज की चटनी बना रहे ना, उसके लिए भी सिलबट्टे की चटनी काफी ज्यादा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही पैकिंग से, क्योंकि आज जा रही हूँ मैं अपने ससुराल। दोस्तों मैं ससुराल जा रही आज, तो इन कपड़ों को मैं जल्दी से पैकिंग करती हूँ इस बैग में, क्योंकि टाइम भी ओवर हो गया है। गाड़ी आज जा रही हूँ मैं ससुराल, तो यहाँ देखो बंदर के लक्षण अभी भी मेरे सर पे जूं देखा। यहाँ देख, वजह से पूरा क्रीम पाउडर बगेली तुम। बाव खराब ना के यार। दोस्तों आज जा रही मैं चंबा, यहाँ पे खतरनाक वाली बारिश भी होने लग गई। जब तवा ठीक है बात, तो यहाँ पे भाभी जा रही खेत की ओर, और मैं और मम्मी जा रही पोखरी। मम्मी आ रही मुझे छोड़ने के लिए पोखरी। यहाँ पे मेरे पापा आ रखे थे गौशाला में मुझे भेजने के लिए, और ये है हमारा घर। अब पता नहीं कब जाऊंगी मायके। मायके का लास्ट नज़ारा ये रहा आज की मेरी वीडियो में, और ये है हमारा इंटर कॉलेज। तो मैं पहुंच चुकी हूँ कर्णप्रयाग में, और यहाँ पे मैं श्रीनगर वाली गाड़ी ढूंढ रही, बट अभी तक गाड़ी आई नहीं, एक भी गाड़ी नहीं है आज। मैं श्रीनगर से ना न्यू टिहरी की गाड़ी में बैठी, और न्यू टिहरी में मेरे स्वामी जी आ रखे थे मुझे लेने के लिए। पहुंच चुकी हूँ अपने रूम पे, अभी बज रहे हैं शाम के 4, और आज ना मैं जल्दी पहुंच गई क्योंकि मुझे तुरंत तुरंत गाड़ी मिल गई थी, और मुझे लेने के लिए आए स्वामी जी टीरी। आज ना बारिश भी हो रही थी सुबह वहाँ चमोली में, और शाम को इधर टीरी में। बारिश मेरा पीछा कहीं नहीं छोड़ रही, तो मुझे भूख भी लगी है खतरनाक वाली। तो मैं जल्दी से अपने लिए मैगी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा, इतनी भयंकर भूख लगी है मुझे। तो दोस्तों मैंने मम्मी के दिए हुए सामान की अनबॉक्सिंग भी कर दी है, अब आपको एक एक करके दिखाऊंगी मैं क्या क्या लाई मायके से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये रोटने। ये रोटने आ रखे मेरे भाभी के मायके से, और ये है काली दाल। ये दाल दे रखी मेरी मम्मी ने चौसू बनाने के लिए, और ये है आम। इन आम को कच्चे तोड़ कर लाई मैं अपने मायके से चटनी बनाने के लिए, और इसमें थोड़ा सा 4-5 बैंगन भी हैं, ये वाले बैंगन, और पुदीना भी है, इनकी चटनी बनाऊंगी मैं। और ये है कच्चे आम, मेरी दीदी ने दे रखी ये आम चटनी बनाने के लिए, और इस पे हरी सब्जी दे रखी मेरी दीदी ने इतने भर के। इसमें मेरी मम्मी ने क्या दे रखी, प्याज, इतने प्याज दे रखे मेरी मम्मी ने। तो ये है मेरी मायके की समोर। दोस्तों चंबा का नज़ारा ना कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा, शायद से आज बारिश आने वाली है, क्योंकि चंबा में खतरनाक वाला कोहरा लगा है। ले जा रही अपने साथ, उधर दुकान में जाना है हमें जीरे जीरा लाने के लिए, मैं और ये जा रहे हेलो भाई। अंधेरा भी हो गया है, अब बारी है खाना बनाने की। तो हमारे यहाँ पे ना जीरा नहीं था, मैं माने के लिए गई और थोड़े से खीरे भी लाई, थोड़े से नहीं 1 किलो खीरे ला के आई। तो अभी मुझे बनाना होगा आम की चटनी, हरी सब्जी और दाल भात बनाऊँ। वैसे भी आज मैंने दाल भात नहीं खा रखी, तो दाल ही भात बनाऊँगी। आज बनाऊँगी मैं चौसा भात। मैंने हरी सब्जी बनानी है। आपको पता है ये किस चीज़ की सब्जी है? इसको हमारे यहाँ ना सुगती बोलते, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे ना। तो ये मार्चू है ना, ये चूहा है, इसका नाम सुगती है। और इसमें डालने के लिए मैं पीस रही मिक्सी पे मसाले, क्योंकि ये मसाले मुझे पीसने थे सिलवट्टे पे। सिलवट्टा तो है नहीं मेरे पास अभी, अभी मैं फ़िलहाल मिक्सी से काम चला रही हूँ। हरी सब्जी वगैरह में ये वाले मसाले काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते, जो बाजार वाले रहते वो नहीं होते। मुझे मैं सब्जी के लिए ना तड़का मार रही हूँ, और ये रही मेरी हरी सब्जी, इसकी सब्जी बनाऊंगी अब। आपको पता है कल मैं इस टाइम मायके में आराम से बैठ रखी थी, खाना पीना बनाने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ पे भाभी भी बनाती थी और मेरी मम्मी भी बनाती थी, और यहाँ पे मुझे बनाना पड़ रहा।
मायके की याद भी आ रही है मुझे। आपको पता है मेरी मम्मी ना पोखरी मार्केट तक मुझे छोड़ने के लिए आई थी। मेरी मम्मी बार बार बोल रही जा जा, अब मम्मी के आंखों में ना आंसू निकाल रहे। मैं मम्मी को बोल रही तू भी गाड़ी में बैठ जा, मैं तो चली जाऊंगी, तू बैठ जल्दी से। तो मैंने मम्मी को जल्दी से बैठने के लिए इसलिए बोला ताकि मेरे भी आंसू ना आए और मैं मम्मी के सामने रोऊँ ना, तब मेरी मम्मी और ज़्यादा रोने लगती, इसलिए मैंने अपने आंसू कंट्रोल किए हुए थे। अब थोड़ी देर में मुझे ना आम की चटनी भी बनानी है, तो जो मसाले मैंने सिलवटे पे पीसे थे ना वो इस हरी सब्जी में मुझे लग रहा आज टेस्ट नहीं आएगा, जो मिक्सी के मसाले हैं, तो मुझे यही मसाले डालने पड़ेंगे जो मार्केट वाले हैं। थोड़ा वो भी डाले मैंने और थोड़ा सा मार्केट वाले मसाले भी डाले। आपको पता है जैसे हरी सब्जी हो उसके लिए ना सिलवटे के ही मसाले अच्छे होते, जैसे आप किसी भी चीज़ की चटनी बना रहे ना उसके लिए भी सिलवटे की चटनी काफ़ी ज़्यादा मस्त होती, मतलब एकदम वाव वाला टेस्ट आता। मैंने तो अपने मायके में बहुत चटनी बनाई आम की और वो भी सिलवटे में पीस पीस के, इतनी टेस्टी हुई ना वो चटनी। तो इतने सारे आम मैंने चटनी के लिए ला रखे हैं यहाँ पे, अब भेज भी रखे हैं। एक साबुत लहसुन को मैं गैस में कुछ इस प्रकार से जला रही हूँ, और आपको पता है ये क्यों जला रही मैं, मुझे आम की चटनी बनानी है और उसमें ऐसे जला हुआ लहसुन ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता। यहाँ पे मैंने दो कच्चे आम छिल दिए हैं, अब मैं इन आमों के छोटे छोटे टुकड़े करूँगी और जो ये पकाया हुआ लहसुन है इसको भी छिलूँगी मैं। जीरे को भुनने से ना चटनी में और भी ज़्यादा स्वाद आता है। अब मैं यहाँ पे कटे हुए आम, लहसुन की फलियाँ और भुना हुआ जीरे को डालूंगी जार में। आम, लहसुन और जीरा को मैंने जार में भी डाल दिया है। अब बारी है मिर्ची डालने की, तो थोड़े से मैं इसमें पुदीना भी ऐड करूंगी ताकि चटनी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो। थोड़े से हम इसमें डालेंगे स्वादा अनुसार नमक। लो जी यहाँ पे हमारी टेस्टी टेस्टी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। और दोस्तों चटनी भी बन गई है, सब्जी भी बन गई है, अब बारी है रोटी बनाने की। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग, आप भी इसी तरीके से बनाते हो चटनी या कुछ अलग तरीके से बनाते हो? अगर आप अलग तरीके से चटनी बनाते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? फिर मैं भी उसी तरीके से बनाऊंगी चटनी। तो दोस्तों टाइम भी आ गया है वीडियो को एंड करने का। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। मैं सोनी नेगी आपको मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय, जय देव भूमि उत्तराखंड, टाटा बाय बाय।